किसान भैया, ये जो आप देख रहे हैं ये मेरा देसी धान कलेक्शन सेक्शन है। अब ये आप जो देख रहे हैं ये गंगा वालू वैरायटी है, उसके बाद बादशाह भोग है, उसके बाद ग्रीन राइस है। छोटे से सेक्शन में हर साल इसको मैं लगाता हूँ। इसमें जो है कई मतलब कि मिक्सअप, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो है आप देखेंगे कि ये आपको हल्का सा मतलब कि ग्रीन लग रहा होगा, ये आप देखेंगे आप इसमें हल्का सा मतलब कि लालिमा लिया है, और ये थोड़ा सा काले कलर का है। मतलब कि ये जो वैरायटी है बहुत ही पुराना वैरायटी है, मतलब कि मेरे दादा परदादा लोग लगा रहे थे उसको, मैं सुना है जानता है, तो तब की ये वैरायटी है। तो कुछ इसमें मिक्स होते 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 कई वैरायटियों का मिक्सअप है, तो इसको जो हम लोग अभी फ़िलहाल तो संरक्षित के तहत अभी रख रहे हैं, तो अभी इसमें हम लोग कुछ ज़्यादा छंटिंग नहीं करते हैं, बस इसको काट के हम लोग इसको बीज के स्वरूप रख लेते हैं। इसके चावल खाने में काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, और देसी धान की आप तो जानते हैं हाइट कितना ज़्यादा ऊपर जाता है। आप देख रहेंगे कि उधर गिरा हुआ भी है, मतलब कि ये धान गिर भी जाता है। और मैं आपको बता दूं, इसमें कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र किसी भी चीज़ का एक भी स्प्रे नहीं किया हुआ है, ना केमिकल का स्प्रे किया हुआ है, ना कोई रासायनिक खाद डाला गया है, बस गोबर खाद थोड़ी मात्रा में इसमें डाला गया था। और बहुत ही सुंदर रंग बिरंगे जो है ये धान की वैरायटी है। अब ये वाली वैरायटी जो है पकने को आ चुका है, ये अभी निकल रहे हैं। तो ऐसे पुराने ज़माने में लोग ऐसे ही लगाते जाते थे, तो मतलब ये एक संरक्षित टाइप से है। और आने वाले समय में हम लोग जो है इसको छटिंग करके सब वैरायटी के बारे में पता करके यूनिवर्सिटी वगैरह में हम लोग भेजेंगे, वहाँ पर इसके जो है नामकरण वगैरह जो रहेगा। ये वाली वैरायटी को तो मैं पहचान रहा हूँ, गंगा वालू है, बाकियों का मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज हूँ। आगे मैं आपको और धान बताता हूँ। किसान भैया, ये जो आप देख रहे हैं लगभग ये 7 फीट का है, और इसके आप बालियाँ देखेंगे बहुत ही शानदार, और इसके जो दाने भी मतलब ये जितने भी आप दाने देख रहे हैं वो छोटे दाने हैं, महीन दाने नहीं है, लंबे दाने नहीं है, ये जो थोड़ा मोटा मोटा और छोटा दाना होता है उस तरीके से दाने हैं। ये जो है बादशाह भोग है, ये वाली वैरायटी जो आप देख रहे हैं ये बादशाह भोग है। और नीचे जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये है ग्रीन राइस, मतलब आप देख रहे होंगे कि ये इस तरीके से दिखता है। ये सब जो है आप जो देख रहे हैं ये ग्रीन राइस है, जीरो केमिकल पेस्टिसाइड इसमें दिया गया है, कुछ भी हम लोग इसमें डाले नहीं हैं। और आप देखेंगे कि इसकी जो है तने वगैरह मैं आपको बताता हूँ, कल्ले बहुत अच्छे तरीके से आते हैं। आप देखेंगे ये एक पौधे का था, इस तरीके से इसमें कल्ले आए हैं। बाली की लंबाई भी काफ़ी अच्छा होता है, प्रोडक्शन भी ठीक ठाक आ जाता है, बस दिक्कत ये होता है कि ये पूरी तरीके से गिर जाता है। आप देख रहे होंगे इधर कैसा गिरा हुआ है, जबकि हमने इसमें कुछ खाद नहीं डाला है, खाद डालते तो फिर अभी तक तो ये फ्लैट पड़ा होता और पूरा ख़त्म हो गया होता। तो देखिए, जब जिस क्षेत्र के किसान हैं उस हिसाब से आपको जो पुराने फसल हैं उसको जो है संरक्षित रखने की हमको ज़रूरत है, और आप थोड़ा सा कोशिश करिएगा। हमारा क्षेत्र चूँकि धान का क्षेत्र है, आप देखेंगे हर तरफ जो है धान लगी हुई है, तो हम थोड़ा धान की जो वैरायटी है उसको जो है संरक्षण करने की कोशिश कर रहे हैं। कई जगह सोयाबीन होता है, कई जगह और अन्य जो फसलें होती हैं उनको जो है बचाने की कोशिश करिए, और इसको एक किसान ही बचा सकता है, क्योंकि बाकियों के समझ में आएगा नहीं और किसान ही इसको समझ सकता है, उसको फील कर सकता है। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। इससे संबंधित कुछ भी सवाल या सुझाव तो प्लीज़ आप नीचे में कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।